वंस अगेन जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एंड लाइक आई सेड कि आज का शो जरा सा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो प्लीज आप लोग अपनी अपनी चाय लेके, अब आई नो आप लोग खाना पका रही होंगी या खाना पका रहे होंगे या खा रहे होंगे या कुछ भी जो भी आप लोग अपने घर में कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने टेलीविजन सेट्स के बिल्कुल सामने आ जाएं और इस शो को बहुत गौर से देखिए। ये हम सब के काम आ सकता है आइंदा। वो लोग जो अपने बच्चे बड़े कर रहे हैं ये उनके डेफिनेटली काम आ सकता है। वो लोग जो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं ये डेफिनेटली उनके काम आ सकता है। वो बच्चियां हु आर 16, 17, 18 इवन जो 13, 14, 15 साल की हैं उनके ये बहुत काम आ सकता है शो। सो प्लीज कम कम, मैं आई ट्राई टू मेक इट एज फन एज पॉसिबल। आई डोंट नो कितने सीरियस इशू के अंदर मैं कितना फन कर सकता हूँ, लेकिन आई ट्राई टू मेक इट एज फन एज पॉसिबल। मेरी जितनी इस्तात है उस हिसाब से मैं जरूर करूंगा। अच्छा, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी राइट नाउ ऑन ट्विटर, अगर मुझे मैसेज करना चाहते हैं शो के बारे में, कोई राय देना चाहते हैं, कोई सवाल आप चाहते हैं कि मैं पूछूं, देन गो टू www.twitter.com/dkbwithsahir. अगर आप फेसबुक पे मैं ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वक्त मुझे मैसेज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके मैसेजेस को पढूं, देन www.facebook.com/dkbwithsahir. आई हैव नो आइडिया कि आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे ये सब कुछ पता होगा तो मुझे नहीं पता होगा। मुझे ये लोग मैसेज ला के देंगे जो मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा। थैंक यू फॉर फॉलोइंग आवर शो, बहुत बहुत शुक्रिया मैसिव रिस्पॉन्स का, उस मैसिव रिस्पॉन्स का जो पिछले वीक हुआ था। थैंक यू सो वेरी 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 मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बात करते हैं, मेरे पास इस वक्त जारा यहाँ मौजूद हैं। जारा की एक कहानी है। जारा का ताल्लुक पंजाब के एक इलाके से है जहाँ ये अपने भाइयों और माँ बाप के साथ रहती हैं। एक रोज़ बहुत सारी सहेलियों के साथ थी कि दिलचाहा एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया जाए, सो छुप के एक मोबाइल फ़ोन लिया गया। उसके बाद उस मोबाइल फोन पे बातें होने लगी। एक शख्स था जिसने जारा से बातें करना शुरू कर दी और उसके बाद ये बात इतनी बढ़ी कि एक रोज जारा ने डिसीजन लिया कि वो अपने घर को छोड़ के कराची आ जाएगी। दिस इज ऑल ट्रू स्टोरी। आप मुझसे नंबर एक्वायर कर सकते हैं, आप मुझसे चीजें ले सकते हैं, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, मैं अपने शो में कोई चीज भी फैब्रिकेट नहीं करता। आई जस्ट डोंट डू इट। आपको ये वो स्टोरीज नहीं हैं जो एनैक्टमेंट्स हैं, ये पेड एक्टर्स नहीं हैं, दीज आर रियल पीपल। मैंने मुझे इसलिए छुपा दिया बिकॉज मुझे इनकी सेफ्टी अजीज है, प्लस शी इज अंडर पुलिस प्रोटेक्शन। पहले वो यहाँ पर आ गई, इसके बाद आने के बाद इनके साथ क्या हुआ एक बहुत लंबी कहानी है। जारा की जबानी सुनते हैं। सबसे पहले तो जारा सलाम अलैकुम, जोर से बोलिए बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, रोना बिल्कुल भी नहीं है, अभी जो बातें होंगी वो अच्छी अच्छी होंगी। ये तुम्हारे हाथ की चाय, तुम्हारे लिए चाय है, इसको आराम से पियो आप, ठीक है? ओके, इसको इधर रख दूं मैं? जी, इधर रख दूं, इधर ही ठीक है, इधर रख दूं। ओके ओके, नाउ टेल मी जारा, आप लोग घर में कितने भाई बहन? हम माशाल्लाह से 4 भाई और 2 बहनें थी। 4 भाई और 2 बहन? जी हाँ। ओके, और आपका नंबर कौन सा है? 305 वाला। आपका 5वां नंबर है? जी। अच्छा, क्या हुआ, क्या था ये सिलसिला? सबसे पहले तो मुझे बताओ ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? हमारे खानदान में शादीशुदा को सेल फोन अलर्ट नहीं था, कोई लड़की को भी अलर्ट नहीं था। मैं कॉलेज जाया करती थी, मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि जारा क्यों ना हम सेल फोन खरीद लें, क्योंकि उनके पास सेल फोन नहीं था। उन्होंने कहा कि आप सेल फोन खरीदो, बेशक आप रखो अपने पास, लेकिन इनके सुबह जब आओ तो हमें दे दो, जब जाने लगो तो आप खुद ले लो। मेरी फ्रेंड्स मेरे सेल फोन पे अपने फ्रेंडों को कॉल किया करती थी, तो मेरा ऐसे किसी से कोई कनेक्शन नहीं था। उन्होंने यानी कि मुझे इस्तेमाल के थ्रू, यानी कि किसी हथियार के थ्रू उन्होंने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वो मेरे सेल फोन पे कॉन्टेक्ट करती थी लड़कों के साथ। उन्हीं का कोई दोस्त था जो मुझसे कॉन्टेक्ट करता था, मैं बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं थी। उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें की जिसकी वजह से मैंने अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गई। क्या बातें थी बेटा, मुझे बताइए बताइए। लेट्स देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आज मैं कसम खा रहा हूं, और कसम क्या खा रहा हूं, एक एक चीज हमने शुरू की है कि हम आइए एक दूसरे की मदद करें, आइए इन दीवारों को गिराएं। ये जो दीवारें हैं ना, कि तुम औरत हो मैं मर्द हूं, और तुम ये कर सकती हो मैं ये कर सकता हूं, आई नो के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम इंसान तो हैं ना, तो आइए इंसानों की मदद करें। अच्छा बताओ क्या बातें की? उसने मुझसे ये कहा
छुट्टी में तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो तुम्हारे जहन से भी तुम्हारी सोच से भी बहुत ऊंची होगी। ओके। उसने कहा कि आप आओ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप मेरे घर रिश्ता भेजो। आपने उसको अपनी उम्र बताई थी? जी हाँ जी। आपने बताया कि आप 16 साल की? जी हाँ जी। और उसने मुझसे झूठ बोला कि वो उसकी एज 22 साल है। उसने ये कहा कि मैं यंग लड़का हूँ। उसने ये कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। उसने मुझसे सब झूठ कहा क्योंकि मैंने कभी उसे आज तक देखा नहीं था। ऐसे कैसे मोहब्बत हो गई आपको बगैर देखे किसी से? आवाज पे कैसे मोहब्बत हो सकती? उसकी बात ही कुछ ऐसी थी, ना चाहते भी मुझे उससे मोहब्बत हो गई। क्या बातें थी? टेल मी, क्या क्या कहता था वो आपसे? ये कहता था कि वो आपको शादी करेगा, आपको बहुत आराम से रखेगा। अपने माँ बाप के बारे में उसने कुछ बताया था आपको? आपने पूछा? जी हाँ जी। क्या बताया था? उसने मुझसे ये कहा कि वो उसकी दो बहनें हैं, दोनों शादीशुदा हैं। ओके। वो माँ बाप का एक ही बेटा है। वो भालपुर से बिलीव करते हैं, रहता भालपुर में लेकिन वो कराची में रहते हैं। बोलती रहिए। ठीक है, लेकिन उसकी यानी कि माँ बाप वहाँ भालपुर में, लेकिन खुद यहाँ से काफी अरसे से वो कराची में रह रहे। जो उसने मुझसे कहा, जो उसने कहा मैं आपको वही बता रही हूँ। उसने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ और यहाँ पे मैं, मुझे उसने कभी ये नहीं बताया कि वो शादी शुदा। उसने मुझसे हमेशा सच कहा। मैं नहीं समझती कि वो उसे सच कह रही है झूठ कह रहा है, लेकिन वो मुझसे कहा करते कि मैं हर बात सच करूँ। वो हर बात में खुदा की कसम और कुरान की कसम को बहुत कहा करता था कि मैं कुरान की कसम से ये बात सच है और मैं खुदा के नाम पर बहुत भरोसा कर लेती थी कि ये वाकई में सच कह रहा होगा। लेकिन जब मैंने उसे हकीकत उसकी देखी यहाँ कर, तो पता चला जो कुछ वो कहता था वो सब झूठ कहता था। वो वैसे नहीं था जैसे वो मुझसे कहा करता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, कितने दिन सिलसिला चला ये? कितने दिन चला आपका ये सिलसिला? टेलीफोन पर जो बात थी वो कितने दिन चली? आई थिंक 6 माह तक। 6 माह तक? जी हाँ। 6 माह तक। किस वक्त फोन करता था वो आपको, कितने बजे? वो मुझे दिन को कॉल किया करता था। यार प्लीज बात नहीं कीजिए, प्लीज यहाँ मुझे, आई एम रियली रियली, प्लीज बात ना कीजिए, दिस इज अ लाइव शो, प्लीज बात ना करें। हेलो, प्लीज बात ना करें। मकसूद भाई प्लीज बात ना करें, प्लीज बात ना करें, आई कैन हेयर यू। अच्छा ओके, ये कितने दिन तक चला मसला? 6 माह तक चला। जी हाँ। तो किस वक्त फोन करता था वो आपको? वो मुझे दिन के 11 बजे से 4 बजे तक। 11 से 4 बजे तक, 5 घंटे? जी हाँ जी। 5 घंटे बात करता था आपसे? जी हाँ। आपको मौका कहाँ मिलता था अगर आपका घर इतना ज्यादा आपके घर में? मेरे घर में अकेला मेरा कमरा था। आपके घर में आपका कमरा अकेला था? जी हाँ जी। ओके ओके ओके। तो इसकी वजह से, और आपको, आप सुपरविजन किसी की भी नहीं थी, आप घर के कामकाज नहीं करती थी क्योंकि ऑब्वियसली आप पढ़ती तो नहीं थी ना? जी नहीं, मैं सबसे छोटी थी तो मुझे कामकाज बिल्कुल मेरी भाभियाँ, मामा या मेरी सिस्टर करती थी। ओके ओके। कभी आपने किसी से शेयर किया, अपनी भाभी से, भाई से या माँ से, किसी से शेयर किया ये बात? जी नहीं। आपकी सहेलियों में, दोस्तों में किसको पता था? मेरी दोस्त को पता था, इरम। ओके। और सुमेरा को पता था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कोई बात की आपसे कभी, आपको समझाने की कोशिश की कि ये ना करो? उसने हमेशा, दोस्त ने, मैं समझती कि दोस्त बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मेरी दोस्तों ने मुझे यहाँ तक खड़ा कर दिया जहाँ ना मैं आगे की जा सकती ना पीछे जा सकती, सब कुछ मेरी दोस्तों की, क्योंकि वो सबको ये जानती थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये कभी नहीं कहा कि ये गलत है, वो हमेशा मुझे कहते कि ये बिल्कुल सही है, तुम उसके पास जाकर तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, तुम खुश रहोगी, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, वो तुमसे शादी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ 2-4 सवालात हैं कि लड़कियां ऐसा क्यों सोच रही हैं? ये सोच रही हैं, दैट्स आल्सो अनदर थिंग, लेकिन ऐसा क्यों सोच रही हैं? एक गांव में रहने वाली लड़की ऐसा क्यों सोच लेती है कि अगर वो शहर चली जाएगी, किसी और शख्स से मिल जाएगी तो वो बिल्कुल खुश रहेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? इन सवालों के जवाब आते हैं। फिर एक रोज जब मैं जियो के दफ्तर आया तो क्या हुआ, मैंने क्या देखा, मुझसे कौन मिलने आया, ये एक दास्तान है एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिस इज ऑल रियल। अब आपको एक खास बात बताऊं कि ये लड़की मुझसे जियो के दफ्तर मिलने आई थी। सो विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक।